एक मिनट भाई इधर एक फोटो कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, सबने चाय पिया, कॉफी पिया, खाया नाश्ता। मैंने भी ज्यादा नहीं ली है। वो उधर ही गए थे, पूरे दिन के पार्टी थे, बच्चन सब तो मैड मैड की टीम में देख रहे थे, पूरे परिवार। वो मराठी फिल्म नहीं, मैड मैक्स। मैड मैक्स हां, वो बहुत सही पिक्चर है। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स कीप एबीसी की बातें करेंगे प्लीज। हां फिर की 30 सेकंड। वरुण बड़ी एनर्जी लेवल से प्रमोट कर रहे हैं एबीसीडी, आज का प्रमोशन का क्या करने वाले हैं आज? श्रद्धा कपूर में बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो सुबह रात में एक्चुअली मुझे सुला देती है, बोलती है फोन करके, बोलती है वरुण सो जाओ, जल्दी सो जाओ, सुबह में प्रमोशन है, तो आजकल मैं अच्छे बच्चे की तरह जल्दी सो रहा हूँ और जल्दी उठ रहा हूँ। मैं भी मतलब कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। ये सोए ना सोए मुझे तो बोल देती है सोने के लिए। 8:40 हुआ है, 8:40 सुबह सुबह, तो काफी जल्दी हो रही है प्रमोशन आज। रेडियो के जरिए फिल्मों को प्रमोट करना कितना फायदेमंद है, आपको क्या लगता है? आई थिंक कि जो सुबह में रेडियो को सुनते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सुबह में अपनी गाड़ी में सुनते हैं, तो आई थिंक दैट इट्स अ वेरी नाइस वे टू रीच आउट थ्रू रेडियो। और रेडियो आई थिंक कि खास करके जो रेडियो जॉकीज होते हैं वो बहुत मज़ेदार होते हैं, सुबह हो या रात हो उनकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, तो उनके साथ बात करके अच्छा लगता है। डेफिनेटली आई थिंक एक तरीके से रेडियो का अपने आप में एक व्यूअरशिप है, एंड दे हैव फैंस, एंड बहुत जनता सुनती है उनको और फॉलो करती है, एंड स्पेशली गानों को हिट कराने के लिए रेडियो से बेटर जरिया है नहीं, एंड हमारे पास एक गोल्डन आवाज़ है श्रद्धा के रूप में, तो डेफिनेटली रेडियो का जो प्रमोशन हम लोग करने वाले, प्रचार करने वाले, बहुत ज़्यादा होने वाला है ABCD2 में, क्योंकि म्यूजिक बहुत ज़्यादा है पिक्चर। मेरी कोई गोल्डन आवाज़ नहीं है इस फिल्म में, वरुण की गोल्डन आवाज़ है, वो उन्होंने जो रैप किया है, तो वो आज रैप करने वाले हैं। हाँ मैं आपको सुनाता हूँ। बर्थडे है भाई, बर्थडे है तेरे भाई का, बर्थडे है, कैंडल बुझ गई, केक सब में बट्टे है, चिक सारी हॉट, यहाँ पे कैन सारे ठंडे है, टेस्ट खेल लिया पूरे साल, आठे राउंडे है, सारे बोलो हैप्पी बर्थडे, जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे, फिर से बोलो हैप्पी बर्थडे, जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे। क्यों तो खामखा ऐसे टची होता है, उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, टची टची कर रही है तो। अरे रिहर्सल कर रहा हूँ तो, मतलब टच वच तो होगा ना यार। विनी ऐसे होती है रिहर्सल? विनी सब लोग देख रहे हैं यार, क्या कर रही है तू? देखने दे। विनी यार मैं उसे प्यार व्यार नहीं करता यार, मतलब वो अच्छा तेरे दिल में कुछ है तो तूने नहीं बताया, तू बस बोल। सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, विनोद को भी दिख रहा है, नहीं दिखता मेरे को, मैं अंधा हूं, नहीं दिखता मेरे को, तू बोलना डायरेक्टली, बोलना मैडम, बोल, मेरे को बोलने की जरूरत है? मलिष्का आज मैं खुद तो नाचूंगा, जो खिलाएगी वही खाऊंगा, बोलेगी तो अपने सिक्स पैक्स एब्स भी दिखाऊंगा, जब बोलेगी तब जाऊंगा। नहीं, तुमने नोटिस किया क्या?
ओके सो वी हैव अ चैलेंज फॉर यू वरुण धवन बिकॉज वी हैव नोटिस्ड कि जब भी तुम ओ की मात्रा नहीं बोल पाते क्यों क्योंकि नहीं डाल रहे क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो मैं मुंबईया हूँ ऑब्वियसली और मुंबईया में मतलब जो भाषा है मुंबई की वो लोग अपन ऐसे ही बोलते हैं अपन उंगा उंगा बोले अपन बोलते मलिश्का आज मैं आपको शुद्ध हिंदी में भी सुना सकता हूँ मलिश्का आज मैं खुद तो नाचूंगा ही और तुझे भी नचाऊंगा खुद तो डांस करूंगा ही तुझे भी कराऊंगा जो खिलाएगी वही खाऊंगा बोलेगी तो अपने सिक्स पैक्स एब्स भी दिखाऊंगा कैसे पता है BTW BTW उसके पास सिक्स पैक एब्स नहीं है एट पैक